कहती हूँ स्नान करते वक्त एक शब्द बोल देना, एक मंत्र बोल देना, यह मंत्र इतना शक्तिशाली है। स्नान करने के बाद निकलो, अपने पति के सामने चले जाना, दीवाना हो जाएगा वो तुम्हारा। ऐसा उसे एहसास होगा मानो पहली बार वो देख रहा है तुम्हारे तुमको। मैं क्या कहूं कि क्या असर होगा उस पर यदि तुम्हारा रिश्ता भी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। तुम्हारी आंखों ने वो नजारा भी देखा जब लक्ष्मी कहकर, गृह लक्ष्मी कहकर तुम्हें प्रवेश करवाया गया घर में, जब सभी तुम्हारे दीवाने थे। नई बहू बनकर आई थी क्या, घर में रौनक छा गई थी। तुम्हारी बातों को सब बड़ी ध्यान से सुनते थे, तुम्हारे चेहरे को सब बड़े ध्यान से देखते थे, तुम्हारी बातें अच्छी लगती थी, तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती थी। भाभी कुछ बनाओ ना, तुम बहुत अच्छा बनाती हो। बहू तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी है। और पति का तो क्या कहना कि तुम्हारी हर बात का दीवाना था वो लड़का। वो दफ्तर में समय कम देने लगा, अपने दोस्तों को समय कम देने लगा, यहाँ तक कि अपने घर के किसी अन्य कमरे में वो कम नजर आता, बार बार वो नजर आता तुम्हारे ही साथ। लोग मुस्कुराते और कहते कि ये देखो, जब से इसकी शादी हुई है कहीं ये दिखता ही नहीं है पत्नी को छोड़कर। तुम्हारी आंखों ने वो नजारा भी देखा और अब ये दिन भी देख रही हो। जब कहीं भी बैठती हो तो तुम्हें जाने को कहा जाता है, पति के साथ क्षण भर के लिए भी तुम नहीं दिखती, क्योंकि वो बैठता ही नहीं तुम्हारे पास, वो समय ही नहीं देता तुमको। तुम मायके जाने के लिए कहती है, वो कहता किसी को लेकर चले जाओ घर से, अकेले चले जाओ, मैं लेने भी नहीं आऊंगा, आ जाना जब मर्जी हो। मतलब तुम्हारी वैल्यू इतनी कम हो गई है इस घर में कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हो तुम नहीं हो, तुम चली गई तुम कब आ गई, उसके जीवन में अब तुम महत्व नहीं रख रही हो। और तुम्हें भीतर ही भीतर यह चुभ रहा है, बदतमीजियां तो इतनी ज्यादा करता है, शब्द तो सारे खो चुके हैं उसके जुबान के अच्छे शब्द, ऐसी ऐसे बातें बोल देता है कि तुम्हें यकीन नहीं होता कि इतना पढ़ा लिखा लड़का भी क्या इतनी नीची ओछी बातें कर सकता है मेरे या मेरे परिवार के बारे में। ये मेरी बहनें लिख रही है कुछ मुझे मैसेजेस, ये मेरी कुछ बहनें मुझे मेल कर रही है कि दीदी मेरा पति की जो जुबान है वो इतनी खराब हो गई है, वो मेरे पिता को गालियां देता है, मेरी माँ को गालियां देता है, मेरे भाई जो कहाँ दूर रहते हैं अपना बिजनेस करते हैं अपने घर में रहते हैं यहाँ से उसे गालियां देता है, फोन पर भी कभी नमस्ते नहीं कहता मेरे पेरेंट्स को, ना कभी मेरे मायके जाना चाहता है, ना मुझे लेने पहुंचाने जाता है, और अपने घर में एक साक्षात अच्छा बेटा बना है, अपनी माँ की इज्जत करता है, अपनी बहनों की अच्छे से बात मानता है, फिर ये सारी खराबियां मेरे परिवार को क्यों दिखाता है। इसीलिए तो मेरी इज्जत कम होते जा रही है मायके में। सच में ये बात है, यदि पति साथ ना दे तो पत्नी का मान सम्मान कम होने लगता है ससुराल में भी और मायके में भी, क्योंकि लोग जानते हैं ना इसका पति तो इसको प्रेम ही नहीं करता, तो और कौन इसको सम्मान देगा और कौन इसको प्रेम करेगा। तो ऐसा मत करो, ये तुम्हारा मान बढ़ा रही है तुमसे विवाह करके, तो तुम भी इसका मान बढ़ाओ इससे विवाह करके, इसकी भी मान सम्मान इज्जत का उतना ही ख्याल रखो जितना ये तुम्हारा रखती है। फिर देखो ये रिश्ता बहुत सुंदर से चलने वाला है। जब कड़वाहट बढ़ जाए रिश्ते की बहुत ज्यादा, दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगे, दोनों के बीच नफरत पनपने लगे, तब मैं कहती हूँ एक मंत्र काम आएगा तुम्हारे। केवल स्नान करते वक्त इस मंत्र को तुमको बोल देना है, उसके बाद जिसके सामने जाओगी वो दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। जिससे चाहो अपनी बोली बुलवाओ, केवल पति को नहीं पूरे ससुराल वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगे। कहते हैं ना पति कदमों में झुकता है, इसके यही हालत होगी तुम्हारे पति की यदि इस मंत्र के साथ तुमने वो किया जो आज मैंने बताया। यह एक अद्भुत चमत्कारिक पति वशीकरण है। मेरी बहनों रो रही हो तुम बहुत ज्यादा, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, समस्या का समाधान करना है। आज इस चैनल पर तुम आई हो, इस वीडियो पर क्लिक की हो, तो तुम्हारी समस्या आज समाप्त करती हूँ। पति तुम्हारी हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में, करके देखो, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका, जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना दिया हो, वो अपने हाथों से फाड़ कर फेंकेगा। घर में कोई भी भड़का रहा हो आपके खिलाफ, वो घर से बाहर जाएगा। उसकी बोलती बंद करनी है जो दिन रात आपकी गृहस्थी को तोड़ने के पीछे पड़ा है। फिर वो सास हो, ननद हो, या आपके मायके में छुपा कोई आपका शत्रु, यदि किसी ने अपने घर में बैठे बैठाए आप लोगों पर किया है कोई टोना टोटका या सीखने के ख्याल से कोई प्रयोग, जिसके कारण विकृत हो रहा है आप दोनों का संबंध, तो उसकी करतूत वहीं खत्म होगी। सारी क्रियाएं जो व्यवस्था को कुव्यवस्था में बदल रही हैं समाप्त होगी। दो दिलों के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आओगे। यकीन मानो, इस मंत्र को अभिमंत्रित करके, इस जल से तुमने स्नान कर लिया, फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या अवस्था होगी। तुम स्नान करने के बाद जिस किसी के भी सामने जाते जाओगी, इसका प्रभाव तब तक फैलता जाएगा। पति के सामने जाना, वो दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान से सुनो क्या करना है तुम्हें। इस प्रयोग को या मंगलवार या शुक्रवार को करो, सर्वोत्तम शुक्रवार। ना कर सको तो मंगलवार, पीरियड्स में बिल्कुल नहीं। मंत्र का जप है, देवी का मंत्र है, पीरियड्स में बिल्कुल नहीं। सफाई का बहुत ध्यान रखो। स्नान से पहले ना जल पीना, ना कुछ खाना। बाल्टी भर लेना स्नान का, इसमें गुलाब जल डाल देना, थोड़ी सी डाल देना, एक ढक्कन डाल देना गुलाब जल। पहनने के लिए पीला या लाल वस्त्र की व्यवस्था करके रखना। काला वस्त्र भूलकर भी मत पहनना। केसों को हमेशा खुला रखना। इस उपाय को करते वक्त प्रथम गुलाब जल वाले जल से तुम थोड़ा स्नान कर लेना, थोड़ा जल बचा कर रखना। स्नान करने के बाद इस जल को ऐसे कर में भरना, पूरब या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करना, भीगी हुई अवस्था में ऐसे कर में भरना, आंखें बंद करना और कहना ओम अंग चंग टंग तंग पंग सिद्ध सिद्धाय नमः। मैं फिर से मंत्र का जप कर रही हूँ, फिर से ऐसे जल उठाना, कहना ओम अंग चंग टंग तम पम सिद्ध सिद्धाय नमः। जल को अपने ऊपर डालना, पुनः जल को उठाना, फिर इस मंत्र को कहना, जल के ऊपर डालना। 21 बार इस मंत्र को करना, 21 टाइम इस मंत्र को अभिमंत्रित करना जल से, और जल को खुद के ऊपर डालना, जल को खुद के ऊपर डालना। वस्त्र अच्छे से पहन लेना, येलो या रेड कलर का कपड़ा, बाल खुले रखना, पति के सामने जाना। केवल एक बार नजर भर कर वो देख ले तुमसे, इसलिए कुछ बातें करना उससे, कुछ ऐसी बातें उसे बताना जिसे ध्यान से सुनते वक्त वो तुम्हारा चेहरा देखे। सिर्फ इतना करो ना, दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद दुनिया की कोई बात ना उसे नजर आएगी, ना कोई बात सुनाई देगी, तुम्हारे चेहरे से नजर नहीं हटा पाएगा, तुम्हारी बातों के अलावा कोई बात उसको समझ में नहीं आएगी। ये जो कहती हो ना, मेरा पति मेरी सुनता नहीं, वो अब सिर्फ तुम्हारी सुनेगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। पति कदमों में गिरेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।